ये हैं कर्नाटक के मैंगलोर में रहने वाले श्रीनिवास गौड़ा, जो डंकी मिल्क फार्म चलाते हैं। जी हाँ, सुनने में आपको भले ही थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन श्रीनिवास गौड़ा इस फार्म से लाखों कमा रहे हैं। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौड़ा को गधी के दूध बेचने का आइडिया कोरोना के समय आया। फिर क्या था, उन्होंने 2020 में MNC में नौकरी छोड़कर कुछ अलग करने की योजना बना दी। 42 साल के श्रीनिवास गौड़ा ने कर्नाटक के एक गांव में गधा फार्म खोला, जिसका नाम रखा डंकी मिल्क फार्म। ये देश में दूसरा और कर्नाटक में अपनी तरह का पहला गधे के दूध का फार्म माना जा रहा है। इसी तरह का गधों का फार्म केरल के एर्नाकुलम जिले में भी है, जो देश का पहला गधा फार्म माना जाता है। सॉफ्टवेयर में डिग्री पाने वाले गौड़ा ने कई सालों तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने लॉकडाउन का समय अपने गांव ईरा में गुजारा। 2020 में लॉकडाउन के समय लगभग 2.3 एकड़ की जमीन पर उन्होंने ये फार्म बनाया। हालांकि शुरू में उन्होंने खरगोश, कड़कनाथ मुर्गियों और बकरियों को पाला, लेकिन 2022 आते आते उन्होंने यहाँ 20 गधे भी रख लिए। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गधे से आखिर गौड़ा को फायदा क्या होगा। दरअसल गौड़ा के मुताबिक गधे रखने का विचार उन्हें पसंद आया, क्योंकि गधों की संख्या देश में बहुत कम हो रही है, क्योंकि धोबी अब उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब गौड़ा ने फार्म में गधों को शामिल करने की बात अपने साथियों और गाँव वालों को बताई तो उन्हें पसंद आई हो। कई लोगों ने उनके इस प्लान से नाराजगी जताई। फार्म में गधे रखने के विचार से लोग असहमत थे। हालांकि गौड़ा ने दावा किया कि गधे का दूध स्वादिष्ट होता है, इसमें औषधीय गुण होते हैं और ये महंगा होता है, और इन्हें रखने से फार्म को बम्पर फायदा होगा। तब परिवार के लोग उनके इस काम से राजी हुए। गौड़ा बताते हैं कि उनके फार्म में गधी का दूध पैकेट में उपलब्ध होगा और 30 ml दूध के पैकेट की कीमत होगी 150 रुपए। अभी तक जो भी इस तरह के गधी के दूध को बेचते हैं, वहाँ पर 1 लीटर दूध 2,500 से 3,000 रुपए प्रति लीटर मिलता है। बहरहाल गौड़ा के फार्म से आए ये दूध के पैकेट मॉल, दुकानों और सुपरमार्केट में उपलब्ध होंगे। गौड़ा ये भी दावा करते हैं कि उन्हें पहले ही साल 17 लाख रुपए का ऑर्डर भी मिल चुका है। गौड़ा को उनके इस आइडिया की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। मैंगलुरु के रहने वाले श्रीनिवास गौड़ा ने 20 गधी के साथ डंकी मिल्क फार्म की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने 42 लाख रुपए का निवेश भी किया। अपने बिजनेस पर बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ा कहते हैं कि मैं साल 2020 तक एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता था, लेकिन फार्म खुलने के बाद कर्नाटक में इस तरह का पहला डंकी फार्मिंग और ट्रेनिंग सेंटर है। गधी के दूध के फायदे के बारे में बताते हुए श्रीनिवास ने आगे कहा कि अभी हमारे पास 20 गधी हैं और मैंने इसके लिए 42 लाख का निवेश किया है। हम गधी के दूध को बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। हमारा लक्ष्य है कि गधी का दूध सभी को आसानी से उपलब्ध हो, ये एक मेडिसिन फार्मूला होगा। लेकिन क्या वाकई में गधी का दूध फायदेमंद होता भी है या नहीं? नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए शोध बताते हैं कि जिन लोगों को गाय का दूध एलर्जी करता है, उनके लिए गधी का दूध अधिक सुरक्षित होता है। इसमें महिला के दूध जैसे ही गुण होते हैं। ऐसे बहुत से विशेषज्ञ ये मानते हैं कि गधी के दूध में मौजूद प्रोटीन में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही ग्लूकोज के स्तर को भी नियंत्रित करता है और इंसुलिन के प्रतिरोध में सुधार लाता है। हालांकि अब तक इस पर कोई ठोस रिसर्च नहीं हुई है, लिहाजा इसके सेवन करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए। गधी के दूध पर लैब में किए गए एक टेस्ट के दौरान पाया गया कि इसके प्रोटीन में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इम्यून सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस दूध के सेवन से शरीर में अधिक शक्तिशाली इम्यून सेल्स निकलने लगते हैं। भले ही इतिहास में क्लियोपेट्रा के बारे में लिखा गया है कि वो गधी के दूध से नहाती हो, लेकिन आज के समय में यही बात शोधकर्ता भी मानते हैं कि गधी के दूध के अंदर मौजूद गुण आपकी स्किन को अधिक लाभ पहुंचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक ऐसे बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर इस दूध का इस्तेमाल होता है ताकि स्किन हाइड्रेट रह सके। साथ ही ये भी बताया जाता है कि गधी के दूध से सूजन की समस्या और इरिटेशन की समस्या भी दूर हो सकती है। वहीं अमेज़न या फिर दूसरे ई कॉमर्स साइट पर अगर गधी के दूध के प्रोडक्ट जैसे साबुन, क्रीम और मॉइस्चराइजर की कीमत देखें तो कहीं ज्यादा है।